नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिजॉइंट दी कैप्सूल के फायदे, खुराक, साइड इफेक्ट और ये दवा लेते समय क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रिजॉइंट दी कैप्सूल एक पोषक तत्वों और बायोएक्टिव तत्वों का एक संयोजन है जो हड्डियों के सामान्य विकास में मदद करता है और स्वस्थ, कोमल और लचीले जोड़ों को बनाए रखता है। ये जोड़ों के दर्द, लंबे समय तक आराम के कारण होने वाली जकड़न और सुबह की जकड़न को कम करने में मदद करता है। इसका उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों के उपचार और रोकथाम में भी किया जाता है। ये दवा का निर्माता है एबट इंडिया और कॉम्पोजिशन है बोस्वेलिया सेरेटा 50 mg। ये गठिया का इलाज, अस्थमा, कोलाइटिस, सूजन, ब्रेन ट्यूमर वाले रोगियों में रेडियोथेरेपी के बाद द्रव सेरेब्रल एडिमा या मस्तिष्क की सूजन को कम करने में मदद करता है। स्तन में रेडियोथेरेपी के कारण त्वचा की क्षति को कम करने में सहायक है। कोलेजन 40 mg। कोलेजन एक प्रोटीन है जो स्वस्थ जोड़ों और त्वचा की लोच या खिंचाव के लिए जिम्मेदार है। कोलेजन हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त में है जो हमारी त्वचा का 3/4 हिस्सा और शरीर में 1/3 प्रोटीन बनाता है। मुकोपोलीसैकेराइड पॉलीसल्फेट 220 mg का उपयोग दवा में सूजन रोधी और एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में किया जाता रहा है। विटामिन सी 20 mg। विटामिन सी स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन सी हड्डियों, उपास्थि, त्वचा और रक्त वाहिकाओं को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाने में मदद करता है। पैकिंग की बात करें तो दोस्तों रिजॉइंट टी दवा 15 कैप्सूल्स की एक स्ट्रीप में होता है और एक स्ट्रीप की MRP है ₹547। प्राइस समय के साथ बदलता रहता है। अगर आप दोस्तों इसे ऑनलाइन से डिस्काउंट में खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। फायदे की बात करें तो दोस्तों ये दवा ऑस्टियोब्लास्ट प्रसार को बढ़ाता है और जोड़ों के खराब होने के जोखिम को कम करता है। अवरुद्ध धमनियों के कारण टांगों का दर्द का इलाज में मदद करता है। उपास्थि का विकास करता है, घाव भरना, प्रजननीय कार्य, ऊतक का सुधार, उच्च रक्तचाप, कंकालीय का विकास और कोशिका क्षति के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये दवा त्वचा के जलायोजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और झुर्रियों और महीन रेखाओं की उपस्थिति को कम करने में मदद करने के लिए शक्ति और लोच प्रदान करता है। उपास्थि और संयुक्त संरचना को मजबूत करके संयुक्त स्वास्थ्य में सुधार करता है। उपास्थि के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है और दर्द से राहत देता है और जोड़ों के कार्य में सुधार करता है। खुराक दोस्तों अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही ले। आमतौर पर एक कैप्सूल दिन में एक बार भोजन के बाद लेनी होती है। बेहतर परिणाम के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार ले। ये दवा के सेवन से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये साइड इफेक्ट ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और एक इलाज शुरू हो जाने के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर अन्य और कोई साइड इफेक्ट होता है तो अपनी डॉक्टर से बात करें। रिजॉइंट डी कैप्सूल लेने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे ये दवा अपनी डॉक्टर के सलाह पर ले। इसे लेने से पहले अपनी वर्तमान दवाओं के बारे में अपनी डॉक्टर को पूरी जानकारी प्रदान करना चाहिए। ये दवा बच्चों के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपनी डॉक्टर के सलाह पर ये दवा लेनी चाहिए। किडनी, लिवर, हार्ट, शुगर और थायराइड के मरीजों को अपनी डॉक्टर की सलाह पर ये दवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये है रिजॉइंट टी कैप्सूल से जुड़ी छोटी सी जानकारी, और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।